अच्छे लगते हैं और आज हम लोग को ना बहुत सारे मटेरियल ढूंढने पड़ेंगे, टाइम भी बहुत लगने वाला है। लेट्स गो। बट गाइस एक और चीज है आपको मैं बताने ही भूल गया यार, मैं हमारे पुरानी वीडियोस देख रहा था जो हम लोग पॉकेट एडिशन में खेलते थे, उसमें देखा हम लोग खतरनाक चीजें थी और सब गई क्योंकि वो हमारे इन्वेंट्री में थी। वर्ल्ड ट्रांसफर के टाइम पे जो चेस्ट के अंदर है वो ट्रांसफर हो जाता है बट जो इन्वेंट्री के अंदर वो नहीं होता है। और गाइस हम लोग इतना पागल तो नहीं है सब वापस करेंगे, इसीलिए भाई और मैंने एक डिसीजन लिया है कि हम लोग ना इस क्रिएटिव में जाएंगे और हमारी पुरानी इंचेंटमेंट जितनी भी थी हमारी स्वॉर्ड्स को क्रिएटिव से ले लेंगे और बस इसमें कोई कट नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल वीडियो रहेगी। भाई ये क्रिएटिव जैसी चीज है ना मैं अपने घर के पास में नहीं करना चाहता, मैं घर से दूर होकर करना चाहता हूँ। गाइस देखो मैं इसमें कुछ एडिट नहीं करूंगा, जो करूंगा आपके सामने करूंगा, ठीक है। चलो भाई ये देखो गाइस मेरी इन्वेंटरी देख रहा हूँ, मैं भी क्रिएटिव के अंदर जा रहा हूँ, मेरी इन्वेंटरी में ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ ठीक है, यहाँ से क्या लेना है भाई, मुझे नेदरराइट का सामान लेना है ठीक है, पिकैक्स लेना है और स्वॉर्ड लेना है ठीक है। भाई आप भी ले लो, मुझे भी दे भाई, मैंने भी बनाया था। आपने भी बनाए थे ठीक है। एक इलाइट्रा हाँ, मेरे को इलाइट्रा की स्पेलिंग आज तक नहीं, ओ आ गए भाई सही है, लो आपका इलाइट्रा ले लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब भी क्या, अभी क्रिएटिव मोड बंद कर। गाइस फिलहाल तो ये हम लोगों ने वीडियो में ले लिया, हम लोग ऑफलाइन जाके इंचेंट कर देंगे बाद में इन सबको। चलो ठीक है भाई, सब प्रीशियस चीजें दिल के करीब थी यार। चलो भाई बिना किसी देर के आपका घर बनाना चालू करते हैं। अरे गाइस एक सेकंड, हम लोगों ने बैकग्राउंड की तो लाइट चालू ही नहीं की यार, अभी सही लग रहा है भाई। चलो हम लोग को बहुत सारे सामान चाहिए भाई, हम लोग को एंडी सेट चाहिए, पॉलिश वाला 208, क्रूज के स्लैब 162, ओक वुड स्ट्रिप्ट वाला 130, क्रूज के स्टेयर्स 118। बस कर भाई बस कर, सुन के डर लग रहा है। चलो हम लोग मिलेंगे आप लोग से सारा सामान कलेक्ट करने के बाद। तो मैं लग गया वुड कट करने के लिए एंड भाई मैंने तो पूरा जंगल ही साफ कर दिया था और मैं पहुंच गया एक न्यू केव में जहां पर मुझे मिला बहुत सारा कॉपर। एक कॉपर और से ना मुझे मल्टीपल कॉपर मिल रहे थे, उसके बाद मुझे कलेक्ट करना था एंडेसाइट और एंडेसाइट तो मुझे ना एक ही जगह पे बहुत सारा मिल गया, वहां पर मैं लकी था। और हाँ मैं 2-3 बार लावा में गिरते गिरते भी बचा और फिर मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स भी खो दिया। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग आ रहे हैं वुड लेके। यस एंड हम लोग ऑलमोस्ट सब सामान ले लिए, ऑलमोस्ट सब आ गया। हाँ भाई ने एंडेसाइट आ गया, एंडेसाइट जो भी उसको रख दिया, कॉपर भी इनफ आ चुका है, सॉरी कॉपर स्मेल्टिंग के रख दिया। और अगर कम पड़ा तो मैं लेकर भी आ जाऊंगा। और हाँ यार गाइस भाई ने ना माइन में गए एंडेसाइट देखे और एंडेसाइट देखे, इतनी बहुत सारा, इतना सारा एंडेसाइट, मतलब मुझे ना कम से कम 4 स्टैक एंडेसाइट। भाई मैं पानी की वो निकाल रहा हूँ, भाई निकल जा। तो तूने गिरने के बाद पानी की बोतल मारा। हाँ ना ये तोड़ ले भाई, कॉपर काम आएगा, ले लूं ठीक है, मैंने लिया हूँ बट अगर इनफ नहीं हो पाया तो। ये देखो गाइस भाई ने ना कॉपर को स्मेल्ट करने के रख देते हैं, हम लोग को कॉपर का काम एक्चुअली उनको ग्रीन वाला जो कॉपर होता है उसका काम है। हाँ ऑक्सीडाइज कुछ तो रहता है वो। एंड ऑल्सो स्प्रूस तोड़ने के टाइम पे हम लोग ने डार्क ओक लॉग भी तोड़ दिया, मेरे को पहचान में ही नहीं आया भाई, चलो जान दो उसको भी अपने वुड के अंदर डाल देते हैं। अभी मेरे एक्स की हालत देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट आधी से हो चुकी है इसकी। गाइस अभी एक दिक्कत हो चुकी है हमारे पास, वो जो पता है यार कॉपर जो होते हैं उसके बहुत टाइप होते हैं, वैक्स वेदर, हम लोग को चाहिए ग्रीन वाला। हाँ। और वो ग्रीन वाला होता है ऑक्सीडेशन से, मतलब बारिश गिरती है उसपे। हाँ। फिर हवा लगती है, सन से सन का एक्सपोजर मिलता है उसको, तब जाके वो ग्रीन कलर का होता है और मुझे चाहिए वो ग्रीन वाला ही। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, जैसा है वैसा बना दे रहे, टाइम टू टाइम वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, कॉपर जैसा रहेगा फिर ग्रीन कलर। एक काम करते गाइस अभी ना भाई मुझे जल्दी सोना है, कल मेरी स्कूल है, तो एक काम करते हैं कल के दिन गाइस मैं सारी प्रिपरेशन करके आऊंगा और हम लोग मिलते हैं आपसे कल। गाइस आज है डे 2 मेरे लिए, आज आपका घर बनके रहेगा जिसपे मैं एक दिन कब्जा करूंगा। भाई ये सब मत बोल यार, बताना इसको अगर ग्रीन जल्दी कर रहे तो क्या करना पड़ता है। फिलहाल तो हम लोग यही वाला लगा देंगे। हाँ हमने घर बनाने का सारा सामान इस चेस्ट में इकट्ठा कर लिया है, पर भाई फिर भी ये सामान आई थिंक सो इनफ नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा आजा, सबसे पहले डिसाइड करना है घर बनाना किधर है। हम लोग भाई पहले तो ना घर का एक बेस, पहले तो उनको लेआउट सेट करना पड़ेगा, फिर बेस बनाएंगे घर का। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नया घर है हाँ? वो अपने मेन घर से करीब रहे, कि आई थिंक ये वाला एरिया ज्यादा अच्छा है ना। एक आइडिया भाई, यहाँ पे ना हम लोग एक बड़ा फाउंडेशन बना देंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल अप रहेगा आपका घर। एक काम करते मेरे पास है ना पॉलिश्ड एंडेसाइट बहुत है। हाँ तो उससे बना लेंगे, उससे बना लेंगे। चलो भाई लेट्स स्टार्ट, 1 आप उस साइड बनो
बन गया। यस, अभी इसको अंदर से फिल कर दे फटाफट। गाइस अभी हम लोगों ने इसका लेआउट बनाना है, इसे हम यूज करेंगे नेदरैक और कॉबलस्टोन का, दोनों एकदम इजीली मिल जाते हैं। लेआउट बन चुका है, अभी हमें चाहिए होगा बहुत सारा वुड। चलो भाई मैं घर के सामने एक चेस्ट रख देता हूँ यहाँ पे। अभी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आने वाले है स्मूथ सैंडस्टोन। ये ले, ये पकड़। चलो गाइस अभी हम लोग को ना इसको ओक लॉक से कवर करना है। आपको एकदम अगली लग रहा होगा आई नो, बट इसको हम लोग अभी स्ट्रिप करने वाले। यार यहाँ पे ना मेरे को बनाने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, यार मैं बहुत डैमेज खा रहा हूँ। देखो भाई फिलहाल तो ना काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी है, बहुत अच्छी। अभी है ना अपने को छत जैसा कुछ बनाना है ना। हाँ, कुछ जैपनीज छत। भाई आई थिंक सो ना हम लोग को ओक लॉक की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। और वैसे आप क्या कर रहे हो बाहर? ओके, अच्छा ये सही है ना, डिजाइन बना रहे हो यार ये। भाई मैं ना घर बस बाहर से देख लेता हूँ कि कैसा बना है। ये यहाँ से सही बना है, यहाँ से भी सही बना है। यार ये कॉर्नर, ओके कॉर्नर पे तो वुड होगा ही, इस कॉर्नर में वुड है, उस कॉर्नर का देखना पड़ेगा मेरे को। इस कॉर्नर में वुड है, इन दो कॉर्नर में था, इसमें इन, इसमें भी इन। हाँ ओके सही है, सही बना, सही बना। अबे ये कौन आ गया? मेरे को लगा भाई आप शवल से इसको तोड़ रहे थे, मेरे को लगा ये तोड़ रहा था। चलो अभी हम लोग को ना गाइस यहाँ पे स्लैब लगाना ताकि जैपनीज की ज्यादा वाइब आए। गाइस ये देखो कैसा लग रहा है। यस भाई एकदम मस्त। एक बार उड़ा नीचे आके दिखा देना। ओ ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बट स्ट्रक्चर तो बन चुका है। हाँ स्ट्रक्चर बन चुका है, बस ऊपर का स्ट्रक्चर, नीचे का ना पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर के माने का स्ट्रक्चर नहीं बना अभी तक। हम लोग घर बनाते बनाते इतना बिजी हो गए थे कि हम लोग ने वीडियो में कुछ बोला ही नहीं। डेडिकेशन देख रहे हो भाई, हमारे पास वुड की बहुत कमी हो गई यार, बहुत चाहिए हम लोग को भी। कोई बात नहीं और काट लेंगे ना अपन। कहीं आप लोगों को मैंने किस बताया नहीं, यहाँ पे ना पहले एक जंगल था, मैंने सारे ट्रीज को काट दिया था, फिर भी अभी लकड़ी की कमी हो रही है हम लोग को। अरे है यहाँ पर है। हाँ यहाँ पे गाइस मैंने, ये क्या जाइजेंटिक, मैंने सैपलिंग्स को 4x4 में डाला था। बट इतना बड़ा ट्री खत्म है यार, इतना इनफ हो जाएगा। मेरी एक्स की हेल्थ आधे से आधे की आधी हो चुकी है। ये देखो भाई कितनी सारी सैपलिंग आ चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गाइस एक ट्री से 11 सैपलिंग पॉसिबल भी है क्या भाई? एक काम करते हैं इसका यूज करते हैं वापस से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो भाई यहाँ से हम लोग को ये लॉग को स्ट्रिप करना ना ये वाले में। यस yes. स्ट्रक्चर बन चुका भाई। अभी अपने को ना एकदम ऑथेंटिक जापानीज स्टाइल देने के लिए ऐसा डिजाइन बनाना है ना। यस सर। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसा बनाना है हम लोग को। भाई मैं ना सबसे टॉप फ्लोर के कॉर्नर्स पे कर रहा हूँ, आप नीचे वाले के कर दो। मैंने कर दिया सारा, हो गया ना। मैं टॉप का कर देता हूँ, टॉप का आई थिंक सो सब हो चुके ऑलमोस्ट। यस टॉप भी सही लग रहा है एकदम। भाई यहाँ से अपना घर देख, घर क्या मस्त लग रहा है यार। हाँ यार पूरा बन जाएगा मस्त, यहाँ पे वाटरफॉल भी मस्त दिख रहा है भाई। अरे वो वाटर तो अभी उठाने का है। सो जिसके आसपास वो चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज, एक पॉन्ड, कितना अच्छा लगेगा यार। भाई एक चीज मेरे को अभी याद आ रही है। क्या चीज? तूने स्टोन कटर अभी बनाया। हाँ यार अपने को स्टोन कटर यूज करना चाहिए था। हाँ मैंने क्राफ्टिंग टेबल से इतना सारा कॉपर वेस्ट किया, इतनी मेहनत। यार गाइस हम लोग घर बनाते बनाते काफी टायर्ड हो गए थे, मेरे में एनर्जी भी नहीं थी बोलने की, इसलिए हम लोगों ने कुछ बोले नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर बैठकर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ओके मेरे घर की फाइनल छत बनने वाली है, इसके बाद मेरा घर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो ही। यस सोच ये जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना ये कॉपर, जब ग्रीस लगेगा मस्त लगेगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट चल भाई आजा, अभी अपने को मेन डेकोरेशन पे ध्यान देना है। लेट्स गो। जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग घर को पूरा अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे थोड़े टाइम बाद। बहुत अच्छा बनाने वाले हम लोग घर, आप लोग देख लेना। 10 minutes later. ओके गाइस क्या आप लोग अभी रेडी हो? क्या आप रेडी हैं? मैं तो एवर रेडी हूँ। एवर रेडी सेल्स। चलो 3, 2, 1 बूम। लग रहा है यार। मैं आप लोग को मेरे घर का टूर देता हूँ। यस यस। सबसे पहले अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है, उसके बिना आप अंदर नहीं जा पाओ। यहाँ पर आता है ये, मालूम नहीं है इसने किया है, इससे पूछो क्या है ये। बहुत मेहनत लगी भाई परवर लाइट ढूंढने के लिए मेरे को। यहाँ पर एक बैरल है, यहाँ पर मेरा किचन है, फर्नेस वर्नेस में खाना आना पकेगा अपना सब। यहाँ पर और बैरल्स है स्टोरेज के लिए। अभी मैं फिलहाल पूरा अच्छे से सोचा नहीं है मैंने कि क्या करूंगा एग्जैक्टली। देन यहाँ पर आता है मेरे 5-star bedroom। मुझे यहाँ पर बस जाके सो जाना है बस, और कुछ नहीं है मेरे रूम में एक्चुअली। यहाँ पर है ना, इधर आओ, ये है फर्स्ट फ्लोर, बट मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है यहाँ पर क्या करना है। तो बोलो जो
इसको एन्चेंटमेंट वाला रूम बना देते हैं। मेरे हिसाब से भी सही है वो। चलो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे इस घर में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। yes. ऐसे तो मैं बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है आसपास में, मैं इसको पूरा एकदम जैपनीज वाइब देने वाला हूँ। यहाँ पर पॉन्ड वॉन्ड चेरी ब्लॉसम डालेंगे, चेरी ब्लॉसम के ट्रीज भी डालेंगे, बट आज के लिए इतना काफी है। बहुत टाइम लग गया, रिसोर्सेस कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया, बनाने में उससे ज्यादा टाइम लग गया। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो, प्लीज अपने आइडियाज को कमेंट्स के अंदर भर दो, क्या बनाना चाहिए इस वर्ल्ड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।